रेल बजट जो है इसमें हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है ये 1903 की बनी हुई है और इसे हेरिटेज रेलवे लाइन घोषित किया गया है, मगर वही इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आज़ादी से पहले था। इसमें नई तब्दीली किसी प्रकार की कोई नहीं। अभी भी रेलवे स्टेशन पुरानी जर्जर अवस्था में है और उनमें किसी प्रकार की मॉडर्न सुविधाएं नहीं है। हमारी यही मांग है कि ये जो हेरिटेज रेलवे लाइन है यहाँ पर कालका शिमला के बीच में अच्छे अच्छे स्टेशन बने, अच्छी इसकी डेवलपमेंट हो, और यहाँ पर जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं वो इतनी पुरानी हैं, नए मॉडल में नए तरीके से अच्छी गाड़ियाँ आएँ, ताकि जो पर्यटक पूरे इस रेलवे लाइन का आनंद लेना चाहते हैं, इस पूरे हिमाचल प्रदेश की दृश्यावली का आनंद लेना चाहते हैं, उन्हें प्रॉपर सुविधाएं मिले। हर जो इस वक्त के जो सियासतदान हैं जो दिल्ली में बैठे हैं और जो रेल बजट अभी जो पास होगा, तो हमारी हिमाचल वासियों की तो एक ही विनती होगी कि हिमाचल के अंदर सबसे बढ़िया जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो रेलवेज रहेगा, क्योंकि पर्यावरण की दृष्टि से भी और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको लेकर भी, चाहे शिमला की रेल लाइन को देखा जाए कालका से शिमला की, चाहे पठानकोट से जोगिंदर नगर की, ये दोनों बड़ी आइडल रेल लाइन थी और जिससे हिमाचल प्रदेश के अंदर उस दौर में आज़ादी से पहले के दौर में हिमाचल प्रदेश का जो उद्योग था, खासकर जो टिम्बर ट्रांसपोर्टेशन का जो काम था, जबकि लकड़ी यहाँ से बाहर को आयात होती थी, तो उससे कोई वो लेते हुए हमारी इंडस्ट्री तभी यहाँ पर कामयाब होगी आज की, अगर रेलवे लाइन जो है उसका विस्तार हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। इस समय मोदी सरकार बजट बना रही है, हम सारे हिमाचलवासी ये चाहते हैं कि हिमाचल को पहले उपेक्षित रखा गया है, तो उस तरीके से ना करके आज रेल लाइन का बहुत सारा विस्तार होने की संभावना है और उस विस्तार को किया जाए, और उसमें जो पुरानी हमारी शिमला कालका रेलवे लाइन है, हेरिटेज रेलवे लाइन डिक्लेयर हुई है, इस पे भी रेल का यातायात बढ़ना चाहिए, इसमें थोड़ी स्पीड बढ़ाई जाए जैसे बाकी ट्रेनों की बढ़ाई जा रही है, स्पीड बढ़ाई जा रही है तो यातायात में लोग जो लुत्फ लेते हैं, आनंद लेते हैं उसका, पहाड़ियों पे चलने का, रेंगने का, उसका आनंद उनको मिलेगा। रेल बजट आ रहा है, अब देखते हैं, मोदी सरकार ने नारे तो बहुत दिए हैं, वे अच्छे दिन आ रहे हैं, अब देखते हैं कितने अच्छे दिन हिमाचल के लिए आए हैं, कल का इंतजार करके उसके बाद मतलब फटी क्या रही है। उम्मीद तो पूरी है कि इस बार हिमाचल को रेल मिल जाएगी और मिलनी भी चाहिए, इस टाइम जैसे कि 4 लेन का काम लगा हुआ है उसके साथ साथ रेल लाइन भी बिछा दी जाए तो सरकार का भी फायदा है, इसमें खर्चा भी कम आएगा। हमारा कहना ये है, बिलासपुर से भानुपल्ली से बिलासपुर तक की रेल मार्ग जो है उसका सर्वे 1984 में हो चुका है, तो उसको विस्तार किया जाए और इसको आगे लेह तक, या तो इस लाइन को या जोगिंदर नगर वाली लाइन को, किसी को भी लाइन को जो है वो लेह तक इसका विस्तार किया जाए, टनल्स डाली जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है।